हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एसएससी सीजीएल 2022 का टायर वन का एग्जाम शुरू हो चुका है आज 1 दिसंबर 2022 से। इसकी फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कैसा पेपर का लेवल रहा, सारे जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले मैं सारे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो एग्जाम है आप लोगों का कब कंडक्ट करवाया गया है। 1 दिसंबर को एग्जाम हुआ है और इसकी जो फर्स्ट शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो फर्स्ट शिफ्ट में जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन मुझे मिले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन मुझे मिला है, फाइनल बैटल ऑफ बाबर, जो बाबर की अंतिम लड़ाई थी वो किस ईयर में लड़ी गई थी। तो बाबर की जो अंतिम लड़ाई है 1529 में लड़ी गई थी और इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ घाघरा। बाकी तीन बैटल भी आप लोग याद रख सकते हैं। तीनों ऑर्डर में 1526 में आप लोगों की पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था और 1528 में आप लोगों का चंदेरी का युद्ध हुआ। तीनों ऑर्डर आप लोगों के याद रखने, चारों बैटल के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेइंग इट माई वे, ये जो ऑटोबायोग्राफी बुक है ये किसकी है। तो सचिन तेंदुलकर की, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि प्लेइंग इट माई वे। उसके बाद जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, चीता है, चीता किस कंट्री से भारत में लाए गए हैं। तो आप लोग याद रखना किस कंट्री से लाए गए, नामीबिया कंट्री से चीता भारत में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और जो आप लोगों का उस नेशनल पार्क का नाम भी पूछ सकते हैं कि किस नेशनल पार्क में लाए गए। तो एक मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क कूनो नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में है। इसमें चीते इंट्रोड्यूस किए गए, किस कंट्री से लाए गए, नामीबिया से वो चीते लाए गए। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, वॉइस रॉय एट द टाइम ऑफ बंगाल पार्टीशन, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था उस समय वाइसराय कौन थे। तो उस समय करजन थे। करजन का जो टाइम पीरियड है वो भी आप लोग याद रख सकते हो, 1899 से लेकर के 1905 तक करजन का टाइम पीरियड था जिस समय ये वाइसराय थे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, फीफा 2022 की जो होस्ट कंट्री है, या तो पूछा गया कि होस्ट कंट्री है या फिर पूछा गया इसका मैस्कट क्या है। तो आप लोगों को दोनों याद रखने, कतर में भी कंट्री चल रहा है और जिसका जो मैस्कट है वो लाइव इसका मैस्कट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया, द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट बनी है, ये आप लोगों को याद रखना है कि ये किस स्टेट से है। तो ये उड़ीसा से है, कभी आप लोग झारखंड लगाते तो ये उड़ीसा स्टेट से है। इसके ट्राइब के बारे में पूछा गया था कि जो ट्राइब है वो किस ट्राइब से बिलोंग करती है, तो ये संथाल ट्राइब से बिलोंग करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जीएसटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिला है कि क्या क्वेश्चन था। अगर आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को क्वेश्चन याद है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, उसका रिप्लाई हम लोग कमेंट में देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो तामिम इकबाल है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, तामिम इकबाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो किस ईयर में हुआ था, इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, तो ये 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो आईएमएफ होता है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ से पड़ता है, वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में उसका मोटो क्या है। तो मोटो आप लोग याद रख सकते हैं, पेरिस अबुल इसका मोटो है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 ईयर प्लान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन हमें नहीं मिला है। अगर आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को ये क्वेश्चन याद है तो वो कैंडिडेट कमेंट करके बता सकता है कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विजयनगर अंपायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है फाउंडर पूछा हो या ईयर पूछ रहा हो कि किस समय विजयनगर अंपायर स्टैब्लिश हुआ था, या फिर पूछ सकता है कि विजयनगर अंपायर किस स्टेट में स्टैब्लिश हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना, कर्नाटक रीजन में जो विजयनगर अंपायर है ये स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद जीडीपी कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो हड़प्पा सभ्यता है, चार स्टेट आप लोगों को दे रखे थे, हड़प्पा सभ्यता किस स्टेट में नहीं है। तो चार साइट जो आप लोगों की पूछा गया था कि किस स्टेट में नहीं है, ये भी आप, ये भी क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, ट्रस्टी ऑफ सोमनाथ टेंपल, जो सोमनाथ टेंपल है उसके ट्रस्टी पूछा गया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर है कौन, नरेंद्र मोदी जी, ट्रस्टी ऑफ सोमनाथ टेंपल है, जो 1025 में जिस पर अटैक किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते, हेड ऑफ सीबीडीटी पूछे गए थे, जो सीबीडीटी होता है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके हेड कौन है इस समय, तो नितिन गुप्ता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो फैक्ट्री एक्ट है ये पहली बार किस ईयर में आया था, तो फैक्ट्री एक्ट पहली बार किस ईयर में था, 1881 में आया था। उसके बाद 10 साल बाद आएगा, 1891 में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक स्कीम के बारे में पूछा गया था, जो निपुण स्कीम है ये आप लोगों की किससे रिलेटेड है। तो आप लोगों को दोनों पता होना चाहिए, निपुण स्कीम जो है ना कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए है, और ये जो स्कीम है इसको कौन चला रहा है, कौन सा मंत्रालय इसको चला रहा है, ये भी याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इस मंत्रालय ये आप लोगों का निपुण स्कीम को चला रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी, जो सैयद डायनेस्टी थे जिसके फाउंडर खिजर खान थे, इसके लास्ट रूलर के बारे में पूछा गया था। तो अलाउद्दीन आलम शाह इसके लास्ट रूलर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो रैंक ऑफ इंडिया इन हंगर इंडेक्स, जो हंगर इंडेक्स आता है उसमें इंडिया की रैंक क्या है, तो 135 है। बाकी एक दो रैंक और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, 136 आप लोगों की हैप्पीनेस में है। उसके बाद 150 भी आप लोग याद रखना, प्रेस में आप लोगों की रैंक 150 है। 180 आप लोगों की इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में है। उसके बाद 132 भी याद रख लेना आप लोगों की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, 132 आप लोगों की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आप लोगों की पूछी जा सकती है, जो यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिस तीन पैरामीटर पर बेस्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिला है, वो भी क्वेश्चन अगर आप लोगों में से किसी को भी याद है तो वो भी कैंडिडेट मुझे कमेंट करके बता सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, हु फंडेड द ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज है इसकी फाउंडेशन किसने की थी। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, राजा राम मोहन राय ने की थी, और किस ईयर में की थी, 1828 में की थी, कहाँ पर की थी, कलकत्ता में की थी, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है जेके के मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी लगता है सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, इस क्वेश्चन को करेक्ट करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बाकी अदर कैंडिडेट को भी हेल्प मिल सके। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ, अब आप लोगों को नेक्स्ट शिफ्ट वालों को क्या क्या करना है। एक तो आप लोग ध्यान रखना कि आप लोगों को हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जा रही है, ये कर लीजिए। उसके बाद जो आप लोगों का जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर आप लोग कर सकते हो जुलाई से लेकर के
नवंबर तक, नवंबर के फर्स्ट वीक तक कर लीजिए, ये आप लोगों का करंट मोस्टली यहीं से पूछा गया है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर भी आ रहा है, वो भी आप लोगों को करना है, सेंसस से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, जो आप लोगों का पॉपुलेशन सेंसस होता है इससे क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला है, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो आप लोगों की साइंस है, साइंस से भी 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन आप लोगों के साइंस से देखने को मिल रहे हैं, और जो ज्योग्राफी है ज्योग्राफी से आप लोगों के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मोस्टली जो जेके के क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के स्टैटिक जेके से रिलेटेड आ रहे हैं, तो स्टैटिक जेके में आप लोगों के पास जो भी लूसेंट है उसका मिसलेनियस पढ़ लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के वहीं से कवर हो जाएंगे, डेज एंड थीम वगैरह, रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह सारे आप लोगों को से कवर कर लेना है, जो आप लोगों के जीके आ रही है वो स्टैटिक बेस आ रही है। उसके बाद देख लेते हैं जो ओवरऑल पेपर आप लोगों को देखने को मिला है, तो इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है, लगभग लगभग सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है जो लास्ट ईयर से चला रहा था, कोई भी पैटर्न में चेंज नहीं आया, ये क्वेश्चन आज में पूछे गए थे। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जैसे ही एसएससी की ओर से कोई भी न्यूज निकल कर आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट शिफ्ट शिफ्ट 2, 3, 4 की भी एनालिसिस की जाए ठीक उसी तरीके से, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर बाकी शिफ्ट की भी एनालिसिस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।